जय हिंद स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। सो वेलकम टू झांसर अकेडमी फॉर आईएएस। सो मुझे एक मिनट दीजिएगा, द हिंदू न्यूज़पेपर मैं आपके लिए ओपन कर रहा हूँ। और जो भी स्टूडेंट्स हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, वो आप टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाइए, क्योंकि वहां पर पूरी अपडेट्स भी हम प्रोवाइड कराते हैं, प्लस पीडीएफ भी आपको आज से वहां पर मिलना शुरू हो जाएगी, काफी सारी पीडीएफ। चलो, मेरी आवाज आपको प्रॉपरली सुनाई दे रही है? मैं आपके सामने स्क्रीन शेयर करूंगा। अरे यार, गड़बड़ी हो गई एक छोटी सी। क्योंकि सुबह हमारी 7 बजे जो है वो जनरल स्टडीज की क्लास होती है, और जनरल स्टडीज की क्लास के थोड़े से ब्रेक के बाद हम द हिंदू न्यूज एनालिसिस जो है वो शुरू कर देंगे। अपने साथ आप लोग पेन और पेपर लेकर जरूर बैठिएगा, क्योंकि जितनी भी चीजें हैं वो मैं आपको एज अ नोट्स के तौर पर जो है वो लिखवाऊंगा, क्योंकि आपको हर एक चीज के जो है वो नोट्स बनाने, बिकॉज मैं अगेन रिपीट करता हूँ, सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन का लेवल जो है वो काफी हाई होता जा रहा है, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ऑन रेगुलर बेसिस जो है वो आपको न्यूज़पेपर जो है वो पढ़ना ही पड़ेगा, चाहे आप कुछ भी कर लो। तो अपने साथ एक, मैंने आपको बोला भी था कि अलग से एक कॉपी जो है बना के रखी है, तो उम्मीद करता हूँ आपने अलग से एक कॉपी जो है वो जरूर बना ली होगी। चलिए, स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है, पहले पेज में एडवर्टीजमेंट है, तो हमारे लिए काम करनी है। बड़े बड़े आजकल द हिंदू में बहुत एड्स आने लगे हैं यार, है ना। चलिए, तो ये हो गया आपका फ्रंट पेज, आपके सामने आपको नजर आएगा। हाँ जी, तो ये देखिए, मेन चीज हम लोग को मिजोरम का इशू जो है वो देखने को मिल रहा था, राइट। तो हमने जो है वो इस इशू के बारे में काफी डिटेल में जो है वो डिस्कस किया। मिजोरम के चीफ मिनिस्टर टू प्रोटेक्ट नीतीश, तो इस तरीके का एक इशू हम लोग को देखने को मिल रहा था। मणिपुर के चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह, इन्होंने कहा है मिजोरम के चीफ मिनिस्टर को, यानी कि मणिपुर के चीफ मिनिस्टर ने मिजोरम के चीफ मिनिस्टर को जो है वो कहा है कि भैया प्रॉपर सिक्योरिटी मेजर्स जो है वो लो, सिक्योरिटी प्रोवाइड कराओ मेतेई कम्युनिटी की, क्योंकि ये ट्राइबल ग्रुप जो है वो क्या डिमांड कर रही है, शेड्यूल ट्राइब स्टेटस जो है वो डिमांड कर रही है। और मैंने आप लोग को ऑलरेडी जो है वो पढ़ा चुका हूँ कि शेड्यूल ट्राइब स्टेटस हासिल करने की क्या प्रोसेस होती है, राइट। याद आ रहा है आपको कि स्टेट गवर्नमेंट प्रपोजल जो है वो देती है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के पास जो है वो प्रपोजल जो है वो जाता है, कुछ याद आ रहा होगा आपको, राइट। तो हमने इसके बारे में जो है वो डिस्कस ऑलरेडी किया हुआ है काफी डिटेल में, तो आपको बस इसके बारे में प्रोसीजर पता होना चाहिए। काफी समय से ये टॉपिक जो है वो न्यूज में है मिजोरम का, तो उतना कुछ खास नहीं है अभी के लिए, क्योंकि कई बार हम इस टॉपिक को जो है वो पढ़ चुके हैं, तो आपको मुद्दा पता होना चाहिए कि मणिपुर में चल क्या रहा है, राइट। सॉरी, मिजोरम के अंदर हम लोग को क्या स्थिति, और मणिपुर के अंदर भी इवन हम लोग को क्या स्थिति जो है वो देखने को मिल रही है। लिखा भी हुआ है कि मिजोरम जो है वहां पर मेतेईज और कुकीज दोनों की पॉपुलेशन है, बट अभी ये इशू जो है वो हम लोग को मणिपुर का जो है वो देखने को मिल रहा है काफी समय से। एनीवेज, आगे बात करते हैं, इंडियन ड्रग्स अंडर लेंस इन श्रीलंका ओवर एडवर्स इवेंट्स। तो जो भी इंपोर्टेड इंडियन ड्रग्स हैं, दे आर एट द सेंटर ऑफ मेडिकल स्टॉर्म इन श्रीलंका फॉलोइंग द केस ऑफ कॉम्प्लिकेशंस एंड फेटालिटीज। मतलब श्रीलंका के अंदर ये बात बताई जा रही है कि जितने भी दवाइयां जो इम्पोर्ट होती हैं, तो जो इम्पोर्टेड दवाइयां हैं उनमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं, स्पेशली वो सब जो इंडिया से आई हुई हैं। तो इंडिया से गई हुई दवाइयां श्रीलंका के अंदर वो वहां के पेशेंट्स को जो है वो दिक्कत दे रही हैं, तो इससे रिलेटेड ये न्यूज आई, और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज है, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट्स जो दिक्कत दे रहे हैं किसी दूसरी कंट्री में, तो ये आप आगे चल सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, आगे चल के ऑफिसर बनोगे, तो ये सब बहुत छोटी छोटी चीजें बहुत अच्छे से ध्यान में रखने की आवश्यकता होती है। अब देखो, जिन चीज के नोट्स बनाने हैं वो मैं बता दूंगा, जिन चीज को दिमाग में रखना है उनको दिमाग में रखिए। फ्राइडे को लोकल मीडिया ने रिपोर्ट की कि एक पेशेंट की जो है वो डेथ हो गई थी, जिनका ट्रीटमेंट जो है वो चल रहा था एक हॉस्पिटल में, राइट। और वहां पर बताया गया कि उनको इंडियन मैन्युफैक्चर्ड एनेस्थेटिक जो है वो प्रोवाइड किया गया, तो उसके कारण जो है वो उनकी उनकी डेथ हो गई, राइट। एक पेशेंट की जो है वो डेथ हो गई इंडियन ड्रग्स लेने के बाद, ठीक है। चिंता वाली बात जो है वो लोकल्स के बीच में बढ़ती जा रही है, राइट, क्योंकि लगातार ऐसे इंसिडेंट्स लगातार इंडियन ड्रग्स से रिलेटेड नजर आ रहे हैं, ठीक है।
ठीक है, तो इस पर जो है वो कार्रवाई करने की सख्त आवश्यकता है, क्योंकि हम हमारे प्रोडक्ट अगर दूसरी कंट्री में जाकर दिक्कत क्रिएट कर रहे हैं तो ये हमारी कंट्री की कंपनीज के लिए जो है वो काफी चिंताजनक जो है वो बात है, और कंट्री की रेपुटेशन के लिए चिंताजनक बात हो जाती है, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर ये अगर न्यूज जाती है तो काफी सारे लोग जो है वो एकदम डिस्टर्ब हो जाएंगे और इंडियन प्रोडक्ट्स को परचेज नहीं करेंगे, तो इससे हमारा जो है वो काफी ह्यूज इकोनॉमिक लॉस भी होगा, राइट। तो ये पूरे एंगल्स जो है वो आपको देखते हुए जो है वो चलना है, ठीक है। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जो है वो उन्होंने संडे को जो है वो आम आदमी पार्टी के बारे में बात करी, तो ये हमारे लिए पॉलिटिकल न्यूज काम की नहीं है। ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ हिस्ट्री अ लॉ अ फ्रॉड एक्सपोज्ड, ऑफिशियल फाइंड्स तमिलनाडु सीन ऑन अनरजिस्टर्ड विल ऑफ, यानी कि एक विल बोलते हैं ना अपन, वसीयत 1967, दो द स्टेट गॉट दैट नेम ओनली 1969, द फ्रॉडलेंट क्लेम टू लैंड रिजेक्टेड। अच्छा, एक केस हम लोग को जो है वो नजर आया प्रॉपर्टी का, जिसमें तमिलनाडु नाम जो है वो दिया गया था। तो ऑन द फेस ऑफ इट द पिटिशनर क्लेम दैट अ प्राइम पायलट ऑफ अ प्राइम प्लॉट ऑफ लैंड एडजेसेंट टू द मदुराई एयरपोर्ट वॉज हिज एंसेस्टर प्रॉपर्टी, यानी कि वही एक प्रॉपर्टी का केस था, वो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ये फर्जी वाले वाली प्रॉपर्टी का केस कितने ज्यादा जो है वो चलते हैं, आप जानते हैं इस चीज के बारे में। वेस्ट बंगाल गवर्नर ओपन कंट्रोल रूम फॉर पोल्स, तो वेस्ट बंगाल गवर्नर सीवी आनंद बोस, तो ये गवर्नर वगैरह के हल्के फुल्के नाम पता होने चाहिए, स्टेट पीएससी वगैरह पूछ लेती है, वैसे यूपीएससी इन सब चीजों में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होती है। यूपीएससी जो है वो आपको कंसेप्चुअल चीजों में ज्यादा फोकस जो है वो करती है रेदर देन दीज फैक्चुअल चीजें। तो इन्होंने सेटअप किया कंट्रोल रूम राजभवन के अंदर, जिससे कि ये कंट्रोल रूम जो है वो कंप्लेन्स लेगा, जो कंप्लेन्स हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है ना कि इलेक्शन से पहले कि किसी प्रकार की धमकी तो नहीं दी जा रही किसी पॉलिटिकल ग्रुप के द्वारा, तो उसके लिए इन्होंने ये चीज जो है वो करी है। बस पंचायत पोल्स और पंचायत वगैरह के इलेक्शंस जो है वो कौन कंडक्ट करवाती है, स्टेट इलेक्शन कमीशन। तो एक चीज बस ये लिख लो कि आपको जो है वो रिवाइज करना है आज के आज, मैंने आप लोग का पॉलिटी पूरा कंप्लीट करवा चुका हूँ, आपको जो है वो रिवाइज करना है आज के आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का पूरा टॉपिक। इसके अंदर स्टेट इलेक्शन कमीशन भी आ जाएगा, कौन से आर्टिकल में है ये, इफ आई एम नॉट रॉन्ग आर्टिकल 324, एक बार चेक कर लेना, आर्टिकल 324 ही है शायद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड, एक बार कंफर्म कर लो इलेक्शन कमीशन, क्योंकि ये सब चीजें आपको याद रखनी है, ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल, ठीक है 324 इज द करेक्ट आंसर। तो ये सब चीजें आपको याद रखना जरूरी है। तो बस ये चीज थी, यहां पर हम लोग को देखने को मिल रहा है कि एक क्राइम से रिलेटेड न्यूज है जो उतनी कुछ खास हमारे लिए काम की नहीं है, ठीक है। वो कितनी कैसी हरकतें जो है वो चल रही है आप देख सकते हैं, कैसी हरकतें चल रही है, स्टूडेंट जो है वो एक दूसरे को जो है वो कॉलेज कैंपस के अंदर मार रहे हैं, क्राइम रेट देखिए कितना ज्यादा बढ़ता जा रहा है। नहीं, ये भी हमारे लिए काम करनी है, चार लोगों को गिरफ्तार कर लिया, एक यूनाइटेड स्टेट के सिटीजन को 20 मिलियन US डॉलर से ज्यादा का चूना लगाया था इन लोगों ने। लोग शॉर्टकट बस ढूंढते हैं तरक्की करने का, मेहनत नहीं करना चाहते, इधर उधर से फ्रॉडबाजी करके लफड़े करते हैं, ठीक है। कि अब देखो दिल्ली के अंदर फोकस किया जा रहा है कि रात में भी जॉब्स जो है वो ओपन रहे, बट ऑब्वियसली बात है कि व्हाट अबाउट द सेफ्टी, क्योंकि सेफ्टी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। अब ये सब पॉलिटिकल न्यूज है, आप लोग के लिए काम के लिए है, ठीक है। पॉलिटिकल न्यूज चल रही है सब, ठीक है, ये सब चीजें काम की रही हैं। जैसे जैसे मैं ये स्क्रॉल करता जा रहा हूँ ना, आप लोग का काम ये भी होना चाहिए कि इसको आप देखते जाएं, ये क्या चीजें देख लेते हैं। अ फ्यूनरल सर्विस फॉर्म कम्स इन हैंडी व्हेन अ ग्रीविंग फैमिली इज ओवरवेल्ड विद अ लिस्ट ऑफ टास्क। अरे आजकल जैसे वो नहीं होता है कि वेडिंग प्लानर्स होते हैं आजकल, वो फ्यूनर जो ये होता है ना, फ्यूनरल राइट, किसी की वो होती है शोक सभा,
तो उसमें भी आजकल जो है वो इस प्रकार की चीजें चल रही हैं। देखो भाई, कमर्शियल लेवल मौत तक भी हम लोग को देखने को मिल रहा है। सबको अपना स्वैग चाहिए आज की डेट में, दिखावा है हर चीज का। शादी में तो दिखावा समझ में आ रहा था, अब किसी की मौत में भी दिखावा हो रहा है। ठीक है, अब केरला चीफ मिनिस्टर फोकस कर रहे हैं स्टार्टअप्स के ऊपर, राइट। तो ये एक छोटी सी टॉपिक था, उतना कुछ खास है नहीं। केरला KSUM इनका ये है कि केरला स्टार्टअप मिशन, ठीक है। बाकी ये पॉलिटिकल और क्रिमिनल न्यूज़ है। ये स्टेट PSC आपसे पूछ सकती है। एक जाने माने एक्टर पूजा पुरा रवि, इनका 86 की उम्र में जो है वो निधन हुआ। एक्सपर्ट्स ने वार्निंग दी है कि केरला के अंदर जो है वो सीवियर डेंगू की प्रॉब्लम जो है वो आ सकती है। तो आपको आज ही दूसरा आपका टास्क है कि आपको डेंगू के बारे में जो है वो आज ही रीड करना है, राइट। डेंगू से रिलेटेड पूरी चीजें, पूरी इंफॉर्मेशन। तो पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स ने जो है वो कहा है कि भाई आप बहुत तरीके से जो है मॉनिटरिंग करो, तरीके से जांच करो, सर्विलांस करो डेंगू का केरला के अंदर, राइट। क्योंकि बुरी तरह से इसका वो हो सकता है, डेंगी वायरस बोलते ना, या डेंगू वायरस। ठीक है, बस ये चीज थी। उसमें और कुछ खास काम करनी है आपके लिए? अब देखो, ये माइंड ये वाली चीज है, अब कितनी बढ़िया है, चीट शीट्स फॉर योर माइंड। तो अपने माइंड को फ्लो फ्लो चार्ट के तौर पर आपको चीजें कवर अप करनी है। अब हम लोग आते हैं अपने पहले एडिटोरियल में। एडिटोरियल का टाइटल है व्हाट इंडियंस शुड बी सेइंग टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑन 21 जून। 21 जून को क्या है, कोई बता सकता है? इंटरनेशनल योगा डे। तो ये कौन है भाई साहब? प्रोफेसर है, और ये भी दोनों प्रोफेसर हम लोग को जो है एक बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी के देखने को मिलते हैं, कोलंबिया, दोनों ही कोलंबिया यूनिवर्सिटी के हैं, अलग अलग कमेटी के। चलो एनीवेज, अपन बात करते हैं। व्हेन दिस अप्रैल इंडिया सरपास चाइना एज द वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलस नेशन, राइट। तो अप्रैल में इंडिया जो है वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलस नेशन, यानी कि सबसे ज्यादा आबादी इंडिया के अंदर हम लोग को देखने को मिल रही है। ये ऑथर जो है वो कह रहे हैं कि ये चीज जो है वो हमने अचीव कर ली है। कॉमेंटेटर्स वर क्विक टू डिक्लेयर दिस इंडियन सेंचुरी अ प्लॉडिट प्राइमरली रिफ्लेक्टिंग द सो कॉल्ड डेमोग्राफिक डिविडेंड एंड बाई 2030 द रेशियो ऑफ इंडिया वर्किंग एज पॉपुलेशन टू इट्स टोटल पॉपुलेशन विल रीच 70%, द हाइएस्ट ऑफ एनी लार्ज इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। तो हमारे पास जो वर्किंग एज पॉपुलेशन, वर्किंग एज पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू NCERT 15 से 59 है, ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना। वर्किंग एज पॉपुलेशन 15 से 59 मानी जाती है अकॉर्डिंग टू NCERT। तो हम पूरे दुनिया भर में सबसे ज्यादा वर्किंग एज पॉपुलेशन के होने वाले हैं 2030 तक, ठीक है। दिस इज अ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दिस इज अ वर्कफोर्स ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैग्नीट्यूड फुली 1/4 ऑफ ग्लोब एंड अ कंज्यूमर क्लास ऑफ इक्वली एक्स्ट्राऑर्डिनरी पोटेंशियल, अ पावर हाउस ऑफ द वर्ल्ड। देयर हैव बीन अदर इंडियन सेंचुरीज हाउएवर प्रायर टू द कॉलोनियल डिप्रेडेशन सफर्ड बिफोर रीगेनिंग इंडिपेंडेंस इन 1947। For a millennium before the arrival of British India, India along with China was powerhouse. By 1600, it is estimated to have possessed up to 1/4 of the world's production capacity. The imperial capital in Delhi was the destination of ambassador from the court of Kings James I to that of Ayutthaya, emperor of today's Thailand, of poets and painters and musicians from across the Central and West Asia, and of craftsmen from as far as a field as Italy, who brought with them the Petradura artistry. देखो अभी देखो, ये चीज आपको ताजमहल के अंदर जो है वो देखने को, पेंटिंग है ना, ये अक्सर एक बार एग्जामिनेशन में भी जो है वो पूछा जा चुका है। तो देखो, पहले पैराग्राफ में सिर्फ इंडिया के बारे में बात करें कि इंडिया एक ग्लोरियस कंट्री हुआ करती थी, राइट। एशिया के अंदर आप जानते हैं इंडिया ट्रेड के लिए जानी जाती थी, और ब्रिटिशर्स ने तो काफी कुछ नुकसान किया। तो हमारी इकोनॉमी के बारे में एक जनरल सी इन्होंने एक डिटेल दी है। That century was only the last of many marked by breathtaking achievements. How even to begin an inventory? The invention of zero. देखो, zero का invention आपको बताइए, making
पॉसिबल एलजेब्रा कैलकस एंड इवेंचुअली द कंप्यूटर द परफेक्शन ऑफ लिंग्विस्टिक्स राइट भाषा का परफेक्शन मैच्ड बाय द वेस्ट ओनली इन 20th सेंचुरी मतलब हम काफी सारी चीजों में इवन हम ट्रेड में हम एजुकेशन में काफी सारी चीजों में हम आगे थे वेस्ट से अ लैंग्वेज लैंडस्केप वास्टली अनलाइक रोम्स और चाइनास विच सॉ राइटर्स एंड डजन ऑफ लैंग्वेज प्रोड्यूसिंग वर्क ऑफ ट्रांसेंडेंस ब्यूटी वीवर हु क्लोथ द वर्ल्ड एज फार एज अफ्रीका एंड बियॉन्ड मेटलर्जिस्ट हु मेड कोरोजन रेजिस्टेंट आयरन 2000 ईयर अगो एंड अ फार्मर हु सेंट न्यू सीरियल क्यूमिन कैरेडमम एंड अदर कल्टीवेटर इन टू द वर्ल्ड हु ऑल्सो डेमॉन्स्ट्रेटेड हाउ टू लिव इन हारमनी विद एनिमल हंटेड टू एक्सटेंशन एवरीवेयर एल्स तो हमारे यहाँ पर जैसे जानवरों के साथ जो है वो रहा जाता है राइट एक अच्छा नेचर हम लोग को देखने को होता है ह्यूमंस और एनिमल्स के बीच में जो है वो नजर आता है तो वो सब चीजें ही बताने की कोशिश कर रहा हूँ उतना कुछ खास है नहीं जो चीज काम की होगी वो मैं आपको बताऊंगा कॉलोनियलिज्म इरोड मोस्ट ऑफ द ट्रेडिशंस अब देखो कॉलोनियलिज्म आया मतलब कि औपनिवेशिक काल जो हम लोग को देखने को मिला ब्रिटिशर्स आए यहाँ पर कब्जा किया उन्होंने क्या किया हमारे ट्रेडिशंस को नुकसान पहुंचाया अभी मैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री जो है पढ़ा रहा हूँ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की क्लासेस चल रही हैं तो उसमें यही सब चीजें हम लोग समझ रहे हैं कि किस प्रकार से ब्रिटिशर्स ने जो है वो इंडिया के अंदर कब्जा किया नुकसान किया राइट दैट मेड इंडिया ग्रेट बट आफ्टर 4 decades ऑफ मोस्ट क्रिएटिव मोबिलाइजेशन फॉर फ्रीडम एंड हिस्ट्री द कंट्री बिगेन इन 1947 टू रिक्लेम इट्स पैट्रीमनी एंड ऑल्दो द डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया मे हैव बीन रिटन बाय द एन इंडियन who had studied at Columbia University, B.R. Ambedkar. The Republican practices and federalism inherent in it have much deeper roots in the country. And while independent India's self-description, unity and diversity, may have become a mere slogan today, it was exemplified throughout the long historical records of India's pluralism. So, वही चीज़ बताई कि 1947 के बाद इंडिया ने जो है अपने आप को रीगेन करने की जो है वो कोशिश करी The remarkable achievement of India's distant and more recent past, above all, its singular achievement of learning to live with religious and cultural differences. हम secular country है ना, अलग-अलग culture, अलग-अलग religious group है हमारे यहाँ, but फिर भी हम लोग जो है वो harmony के साथ जो है वो रह रहे हैं, are now at risk. तो सोचिए आप, ये आप देखिए, अब ये foreigner का viewpoint है, इसलिए आपको point तरीके से जो है वो चीजें discuss देखनी है और analyze करनी है. Under the government of Narendra Modi, यहाँ पर clearly criticize कर दिए Indian government को. कि भाई साहब अभी तक जो आप हारमोनी में रह रहे थे वो अभी रिस्क में है मोदी गवर्नमेंट के अंडर द मूवमेंट ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर इन 2014 अब ये एंटी गवर्नमेंट आर्टिकल है याद रखना और हिंदू क्रिटिसाइज करता है गवर्नमेंट को तो बिकेम प्राइम मिनिस्टर इन 2014 राइट आफ्टर अ यूथ स्पेंड इन द रैंक्स ऑफ पार्लियामेंट्री ऑर्गेनाइजेशन और सॉरी पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन ओइंग हिंदू नेशनलिज्म एंड देन अ लॉन्ग स्टिंट एज चीफ मिनिस्टर इन द स्टेट ऑफ गुजरात राइट तो गुजरात के सीएम थे वेयर ही वाज अक्यूज एंड स्टिल सस्पेक्टेड बाय मेनी डिस्पाइट हिज एक्यूटल बाय कोर्ट्स इन द मास किलिंग ऑफ मुस्लिम सिटीजन 2002 के दंगों की बात कर रहे हैं सीधे सीधे मतलब ये गवर्नमेंट के ऊपर जो है वो आरोप लगा रहे हैं कि भाई अभी की गवर्नमेंट ने इंडिया का जो हारमनी नेचर था वो जो है वो खराब किया है मिस्टर मोदी इनिशिएटेड अ प्रैक्टिस ऑफ इंक्लूसिव स्टेट पावर एंड मेजोरिटेरियन नेशनलिज्म दैट इज अनलाइक एनीथिंग इंडिया हैज एवर सीन व्हाइल डिस्ट्रॉइंग much of what made India great. तो ये basically criticize कर रहे हैं पूरी तरह से इंडिया के secular उसको जो हमारा principle है right? A systematic campaign. Last year watchdog groups including Genocide Watch echoed by Georgetown University study issued warnings about the organized operation in India's Muslim. 14% population India के Muslim की है nearly 200 million लोग हैं It cited in particular the 2019 revocation of the special autonomous status of Kashmir, ending the 7 decades of protection, the Citizenship Amendment Act and the National Register Citizen, together aimed at expelling Muslim refugees from Bangladesh, but also reducing to second-class citizenship millions of Indian Muslims who lacked documents that many Indians lack, and anti-conversion law, which the United States Commission on International Religious Freedom has found to inconsistent with human rights. तो मतलब कुल मिलाकर ये आज की गवर्नमेंट को जो है वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं इंडिया का इतना ग्लोरियस पास था और इन्होंने स्टार्टिंग करी इंडिया के ग्लोरियस पास को बताने के लिए इन्होंने थोड़ी बहुत चीजें बताई एडिटर ने कि इंडिया जो है आने वाले समय में जो है वो इतनी अच्छी पॉपुलेशन इंडिया की जो है वो होने वाली है प्लस अब ये पूरी तरह से क्रिटिसाइज कर रहे हैं इंडियन गवर्नमेंट को कि इंडियन गवर्नमेंट जो है
उनके वो जो है वो एक प्रकार से धोखाबाजी जो है वो कर रही है पब्लिक के साथ, जो सेक्युलर जो प्रिंसिपल है उसको जो है वो खत्म कर रही है, लोगों को भिड़वा रही है अलग अलग कानून लाकर। देखिए ये क्रिटिसाइज कर रहा है, ये चीज आपको अपने मेंस में नहीं लिखना है, ये एक जनरल अंडरस्टैंडिंग हम लोग को बता होनी चाहिए कि क्या क्या क्रिटिसिज्म के व्यू पॉइंट है जो इंटरनेशनल लेवल पर चल रहा है। तो ये क्रिटिसिज्म इंडिया का जो है वो इंटरनेशनल लेवल पर हम लोग को देखने को मिल रहा है, और इसी क्रिटिसिज्म को हमको ठीक करना है, इसी आलोचनाओं को जो है वो हम लोग को ठीक करना है। एंड दिस इज टू से नथिंग ऑफ डेली अरेस्ट एंड डिटेंशन। अब देखो मुस्लिम को अरेस्ट किया जा रहा है ऑन, लिखा है नो लॉफुल ग्राउंड, बिना किसी कानून के मुस्लिम्स को अरेस्ट किया जा रहा है। रिपीटेड बीटिंग्स एंड लिंचिंग ऑफ मुस्लिम, ये बोल रहा है मुस्लिम शॉपकीपर्स को, ट्रेडमैन्स को मारा जा रहा है। मिस्टर मोदी गवर्नमेंट परसिक्यूट्स मुस्लिम्स बोथ बाय द कंस्ट्रक्शन ऑफ लॉ, कानून और गवर्नमेंट प्रैक्टिसेस जो कि ह्यूमन राइट्स मानव अधिकार को उल्लंघन करती है उसके थ्रू डायरेक्ट ये मोदी जी के बारे में बोल रहा है कि मोदी जो है वो डायरेक्ट मुस्लिम्स के ऊपर जो है वो अत्याचार कर रहे हैं, मतलब ये चीज लिखी जा रही है। वाइल मेंटेनिंग साइलेंस ओवर द एट्रोसिटीज कमिटेड अगेंस्ट देम बाय द लीथल एनर्जीज इट्स ओन रिलीजियस नेशनलिज्म हैड अनलीश्ड अंडर मिस्टर मोदी, गवर्नमेंट हैज पर्स्यूड अ सिस्टमैटिक कैंपेन टू डिस्ट्रॉय सिविल सोसाइटी, आउटलाइन नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, अंडरमाइनिंग यूनिवर्सिटीज, थिंक टैंक्स, रिसर्च सेंटर्स एंड हार्नेसिंग द इंडिपेंडेंट प्रेस। यानी कि सबकी बारा आ रही है, किसी की नहीं सुन रहे, सिर्फ अपनी जो है वो सुन रहा है। लास्ट मिनट इन इट्स डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चन, द ब्रिटिश, एक डॉक्यूमेंट्री थी बीबीसी की, इन्होंने रिव्यू किया कि एक ब्रिटिश गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट फ्रॉम 2002 दैट फाउंड मिस्टर मोदी डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्लॉटर ऑफ मुस्लिम्स ड्यूरिंग द गुजरात रायत। यानी कि गुजरात में जो दंगे हुए थे 2002 के, उसमें बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री में क्लियरली ये चीज जो है मेंशन कर दी कि मोदी का सीधे सीधे हाथ था मुस्लिम्स को मरवाने में, एंड दैट द वायलेंस हैड ऑल द हॉलमार्क्स ऑफ जेनोसाइड। 2 months लेटर, 2 महीने बाद मुंबई और न्यू दिल्ली के ऑफिस जो थे बीबीसी के, उनके ऊपर रेड पड़ गई। तो जैसे ये डॉक्यूमेंट्री आई, रेड जो है वो पड़वा दी, राइट, सीबीडीटी की रेड थी ये। एंड ये कहा गया कि भैया आप जो है वो सही तरीके से टैक्सेस वगैरह जो है वो नहीं कर रहे हो, सॉरी टैक्सेस पे ध्यान नहीं दे रहे हो, तो अब आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। कंपेरेबल टैक्टिक्स हैव बीन यूज अगेंस्ट द एनवायरमेंटल ग्रुप इंक्लूडिंग ऑक्सफैम इंडिया, एनवायरोनिक्स ट्रस्ट, लीगल इनिशिएटिव फॉरेस्ट एनवायरमेंट, इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एनवायरमेंट लाइफ, हुज डायरेक्टर द लॉयर ऋत्विक दत्त हैज बीन परसिक्यूटेड बाय सीबीआई एज वेल एज सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च अगेंस्ट, मतलब एज वेल एज अगेंस्ट द सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च, इंडियाज लीडिंग पब्लिक पॉलिसी थिंक टैंक, इन ईच केस देयर फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन लाइसेंस वर कैंसल्ड। वही था ना ये एनजीओ वाला पूरा केस, तो काफी सारे लोगों के फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन लाइसेंस है वो कैंसिल कर दिए, देर हैज बीन, और बोल रहे हैं कि उन लोग के कैंसिल किए गए जो गवर्नमेंट के खिलाफ बोल रहा है। काफी क्रिटिसिज्म बड़ा आर्टिकल है ये। देर हैज बीन अ कॉन्सेंट्रेटेड अटैक ऑन अंडरमाइनिंग द इंटेलेक्चुअल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी ऑफ जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, द मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन इन द कंट्री। तो बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट लगातार जो है वो जेएनयू पर अटैक जो है वो कर रही है, एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट सच एज सेंटर फॉर स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज इन न्यू दिल्ली एंड द सेंटर फॉर स्टडीज इन सोशल साइंस कलकत्ता, लॉन्ग एडमायर्ड फॉर देयर इंटेलेक्चुअल फ्रीडम, हैव सडनली हैड देयर बजट स्लैश। तो उनके बजट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है वो काट दिए, कि जिससे कि ये गवर्नमेंट के खिलाफ जो है वो कुछ बोले ना। द इंडिपेंडेंट प्रेस हैज वर्चुअली सीन साइलेंस। तो जो इंडिपेंडेंट प्रेस जो हम लोग को देखने को मिलती है, मीडिया जो हम लोग को देखने को मिलती है, वो साइलेंट हो गई है। प्रेस फ्रीडम वायोलेशन इन इंडिया, एक रिपोर्ट थी इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट की, इसने 83 उल्लंघन के बारे में बात करी जो सरकार के द्वारा किए गए पिछले 8 सालों में। मोदी गवर्नमेंट और बीजेपी, इन्होंने अटेम्प्ट किए कि इंडिपेंडेंट मीडिया को साइलेंस करने के ऊपर, कि भाई फ्रीडम जो है वो मीडिया के पास नहीं होनी चाहिए। पूरा आर्टिकल गुस्से से भरा हुआ है मोदी गवर्नमेंट के लिए। फिर अदानी सागा, सम ऑफ द अब्यूज एंड असॉल्ट्स हैव टारगेटेड लेजिटिमेट अपोजिशन टू द एक्टिविटीज ऑफ वन कंपनी, अदानी इंटरप्राइज हुज डायरेक्टर इज मोदी इंटीमेट, एंड द ग्लोब कॉन्ग्लोमरेट हेडक्वार्टर्ड इन इंडिया हैज बीन मच इन न्यूज। इन नवंबर द न्यूयॉर्क टाइम्स रिपोर्टेड दैट द कंपनीज प्रेसिडेंट गौतम अदानी वॉज नेम्ड एज द रिचेस्ट मैन इन एशिया। सून देयर आफ्टर अ न्यूयॉर्क फाइनेंशियल रिसर्च फर्म डेमोन्स्ट्रेट दैट ही हैड बीन रनिंग द लार्जेस्ट कॉन इन द कॉर्पोरेट हिस्ट्री, राइट। अडानी जो है वो सबसे बड़ा घोटाला, बहरूपिया बाजी वाला घोटाला बोलते हैं ना अपने, कॉन्वेंट काइंड ऑफ,
कि लूट रहे हो आप. सो वॉट शुड ऑल्सो हैव बीन मेकिंग न्यूज आर मिस्टर अदानी कोल माइंस एंड हिज क्लोज टाइज टू मिस्टर मोदी. एनजीओ हैव बीन इन्वेस्टिगेटिंग मिस्टर अदानीज स्टैगरिंग एनवायरमेंट डिस्ट्रक्शन इंक्लूडिंग द डिवास्टेशन ऑफ सम ऑफ द मोस्ट बायोडाइवर्स रीजन ऑफ द वर्ल्ड इन ईस्टर्न इंडिया एंड द होलसेल एलिमिनेशन ऑफ विलेजेस एंड इंडिजीनियस लाइफ वेस्ट इन हिज परस्यूट ऑफ सम ऑफ द वर्ल्ड्स डर्टीएस्ट कोल. येट इट इज मिस्टर अदानीज क्रिटिक्स whom the government has punished, as the Washington Post has reported, not the con that he perpetrated, nor the prime minister who has strenuously helped him secure the lucrative coal deals. तो ये बोल रहे हैं कि सीधी सीधी बात की प्राइम मिनिस्टर ने जो है वो मदद करी, काफी सारी रिपोर्ट्स में ये सब चीजें आई, प्राइम मिनिस्टर और अडानी का रिलेशन. देखो वी ऑल्सो नो अबाउट इट, बट दीज आर नॉट द थिंग्स टू बी यूज इन मेंस. ये बात याद रखना आप मेरी, ये सब चीजें आप अपने मेंस के आंसर में यूज नहीं करेंगे. ये सब चीजें सिर्फ आपकी समझदारी के लिए है, अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि क्या चीजें जो है वो चल रही हैं, राइट. द रिलीजियस परसिक्यूशन, द अटैक्स ऑन एनजीओ, इंडिपेंडेंट रिसर्च सेंटर एंड द प्रेस आर बैड एनफ. द फर्दर अलाइनिंग ऑफ एनवायरमेंट कियोस ऑफ पोटेंशियली ग्लोबल प्रपोर्शंस बट पर्टिकुलरली कैटेस्ट्रॉफिक फॉर इंडिया इटसेल्फ. मिस्टर अदानी हैज बीन नेम्ड बाय ऑक्सफैम the third most culpable carbon billionaire in the world, shows the true scope of the problem. yani ki environment ko nuksan pahuncha rahe hain, carbon billionaire isi cheez ko bolte hain. as chief minister, modi was denied a visa to the united states in 2005 because of his perceived involvement in gujarat pogrom. this yani gujarat ke dange ke karan usa wo modi ki picture bhi thi usme bhi to dikhaya hua tha. this week he arrives on the state visit to the United States despite the fact that his human rights and civil liberties record since being elected prime minister in 2014 is in many ways worse. the plain fact is that this record has been totally ignored by President Barack Obama, Donald Trump and Joe Biden. to bol rahe hain ki United States tak jo hai wo Modi ko jo hai wo recognize kar raha hai, karna nahi chahiye kyunki Modi ne to itne bure bure kaam kiye hue hain, right. to pata nahi kyun ye United States recognize kar raha hai. ab dekho yaar normal si baat hai, यूनाइटेड स्टेट्स को हमें इंटरेस्ट इसलिए क्योंकि क्योंकि उसको अपने इंटरेस्ट को फुलफिल करना है, चाइना को काउंटर करना है. तो बहुत सिंपल सी बात है, आपको एज अ ब्यूरोक्रेट इन सब चीजों पर नहीं बढ़ना है, राइट. ये सब चीजें जो है वो क्रिटिसिज्म की जो है वो ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट के क्रिटिसिज्म जो है वो क्या है, बट किसी की पर्सनैलिटी नहीं, उसके काम जो है वो देखे जाते हैं, राइट. अब द पॉइंट इज दैट यस वी नो अबाउट इट कि काफी सारी चीजें ऐसी हुई हैं जिसके कारण पब्लिक परेशान हुई, चाहे वो किसानों का बिल ले लो, चाहे वो काफी सारी चीजें ले लो, जैसे अभी मेतेई ट्राइब का इशू जो है वो चल रहा है, राइट. तो उसमें भी इंटरवेंशन प्रॉपर तरीके से करने की आवश्यकता थी जो अभी तक नहीं हुआ है, राइट. तो यू शुड नो वेरी वेल कि क्या सही है क्या गलत है. आपको आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के ना फेवर में रहेंगे ना उसके अगेंस्ट रहेंगे, आपको अपने आंसर में न्यूट्रल चीजें लिखनी है. इफ एज द व्हाइट हाउस हैज सेड द इंडियन लीडर विल बी विजिटिंग इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन अवर टू कंट्रीज शेयर्ड कमिटमेंट टू अ फ्री ओपन prosperous and secure Indo-Pacific. अब देखो आ गया उनका इंटरेस्ट Indo-Pacific में, क्योंकि वहां पर चाइना का इन्फ्लुएंस है. America's leaders must start taking seriously about what freedom and openness now mean in India. तो ये यूनाइटेड स्टेट्स को बोलने की कोशिश करें, भैया यूएस वालों बोलो इंडिया को कि भाई वो थोड़ा सा जो है वो लोगों की फ्रीडम पर ध्यान दे, आजादी पर ध्यान दे. इंडिया विल ओनली इनॉग्रेट an Indian century if its great tradition of pluralism and respect for diversity can be recovered. तो ये बोल रहे हैं कि भैया वापस से जो आपकी diversity है, secular nature है, उसको recover जो है वो करो, it is very important. चलिए आगे कवर करते हैं. मेरे घर पे एक पंडित जी आए थे चाय पीने के लिए, उनने रिक्वेस्ट करी. आजकल का जमाना देखिए आप कि
मैंने इसकी बैंड बजा दी अब। कल पंडित जी आए थे, उनने दो आए थे, जैसे होता नहीं कि मैं आपको शायद याद आ रहा हूँ, कल एकदम से गाने वगैरह कुछ बज रहे थे तो अपन ने सेशन ऑफ कर दिया था। मैंने बोला था डिस्टरबेंस हो रहा था, उसका लाइट चली गई थी, फिर हमने सेशन को दोबारा से कंटिन्यू किया था। कल की बात है, याद हो तो आपको थोड़ा बहुत, कल की नहीं परसों की, सॉरी कल संडे था, परसों की सैटरडे की। ये पंडित जी थे, मम्मी से इनने बोला, बाहर मम्मी ने पूजा करी और मम्मी जो है अंदर आ गई। फिर उनने, दो पंडित जी ने रिक्वेस्ट करी, बोल रहे थे कि हमें चाय पिला दीजिए। तो ऑब्वियस ही बात है यार, कोई चाय मांगे तो हम, या खाना मांगे तो हम मना थोड़ा करेंगे, कोई मना नहीं करता। तो बुलाया उनका, आदर सत्कार किया, फिर वही कहानी उनकी शुरू हो गई। वो कुछ कुछ चीजें नहीं बताते रहते कि तुम तरक्की करोगे, ये करोगे, बहुत कॉमन चीजें रहती हैं कुछ कुछ। तुम अपने लिए लकी नहीं हो, दूसरों के लिए लकी हो, एक्स वाई जेड, बड़ी बड़ी बात है। मैं भी था ऊपर ही सुन रहा था चुपचाप चुपचाप। मुझे भी खुश करने के लिए बहुत सारी चीजें बोलने लगे हैं कि बहुत जल्दी जो है वो आपके पास गाड़ी आएगी। मैंने कहा है, तो फिर हाथ की तरफ देखा, बोलते घड़ी पहना करिए। मैंने कहा वो 4 लाख की घड़ी पसंद है, जब वो मिलेगी तब वो ही पहनेंगे। फिर मुझे बोलने लगे कि मम्मी से बोलते कि आपका ये बेटा राम है। मैं मम्मी की तरफ देख के बोलता रावण हूँ। अब उनको क्या पता अबाउट माय हैबिट्स, मेरा अपन इंसान मारते हैं, इतना ऐसा दिमाग है। तो मैंने उनको बताया कि नहीं नहीं पंडित जी, मेरा तो ऐसा है कि गुस्सा आ जाता है तो असला बारूद सब निकलता है। फिर तो छुप एकदम एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। बहुत देर तक ऐसी नौटंकी चलती रही। फिर अचानक से कुछ कुछ बातों में उन्होंने उलझाना जो है वो शुरू किया। बोलता कि हम यहाँ जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, और उसके लिए आपको जो है वो डोनेशन देना पड़ेगा, दोगे कि नहीं, हाय या ना में बोलो। अब मैं एकदम वो हुआ, मैंने कहा दोगे कि नहीं, हाय या ना, हाँ बोल दें, कमिटमेंट कर दें तो इन लोग के संकल्प वंकल्प करवा लेते ना ये लोग, कि आप यार कमिटमेंट कर दो और उसके बाद उलझ जाओ। फिर आप अंदर से भी इंसान जो है वो खौफ में रहता है कि अरे यार अपन ने तो कमिटमेंट कर दिया इस पंडित को। तो मैंने बोला कि नहीं, मैंने कहा क्योंकि यार मैं खुद ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मेरी दादी खुद जो है वो, उन्होंने भी जो है वो संन्यास जो है वो ले लिया था एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के बाद। मतलब शी वेंट टू द जंगल्स एंड तपस्या, वहां पर जो है वो करती थी, मेडिटेशन करती थी। मुझे वो लोग पसंद है जो कुछ मांगे ना, जैसे एक हमारे यहाँ मंदिर, हमारा मंदिर है यहाँ पर, वहां पर आए हुए थे एक ये मुनि बाबा बोलते थे हम लोग उनको, मौन व्रत उन्होंने 12 साल तक रखा था, 12 ईयर्स तक। मैं बहुत छोटा सा था तब से उनको जो है वो जान रहा था, चुप रहते थे, आते थे मस्त, थोड़ी देर थोड़े दिनों तक मंदिर में रुकते थे, और वो भी ऐसा नहीं घर भर के अंदर रुक रहे, मंदिर के अंदर। वहां वहीं पर ही मंदिर के बगल में जो है वो चाची का घर है, दादी का घर। तो अभी तो दादी है नहीं इस दुनिया में, तो उस समय की बात थी कि वो आते थे चुपचाप, उन्होंने बस खाना ग्रहण किया, वो भी लिमिटेड, बिल्कुल सात्विक भोजन, कम भोजन, और मेडिटेशन करते थे, शांत रहते थे, स्माइल करते रहते थे बस। और फिर जब उनका मौन व्रत टूटा तब वो फिर से आए थे, तो मैं गया था उनसे मिलने। तो मैं पूछ रहा था कि महाराज जी थोड़ा बताओ कि आगे क्या करूं, कैसे करूं, एडवाइस के लिए मैं कुछ। तो उन्हें बोला कर्म अच्छे रखो, कर्म अच्छे रखो, और मैं कुछ, मैंने कहा आप बताइए ना कुछ, मतलब मैं क्या बताऊंगा, कर्म अच्छे रखिए, कर्म अच्छे रखोगे तो अच्छी चीजें मिलेंगी, कर्म खराब रखो, खराब करोगे तो इसी दुनिया में सब कुछ वापस देकर भी जाना है, इस दुनिया में सब कुछ पाओगे भी और सब कुछ देकर भी जाओगे, तो डिसाइड करना है कि पाना अच्छा या गवाना है। मैंने कहा यार मेरा ये होता है संत आदमी, उनको किसी चीज से मतलब नहीं, उनने ना मुझसे पैसे की डिमांड करी नहीं कुछ, वो शांति से वॉक कर रहे थे। तब मैंने उनसे पूछा, तो कोई और होता तो वो 50 पूजा पाठ, आजकल ढोंग वगैरह वाली चीज ज्यादा हो गई यार, बहुत ढोंग हो गया आजकल। तो अभी उनका मैसेज आया, मैंने उनको बोला था कि मैंने कहा भाई आपको जो है वो कर दूंगा,
आप मुझे अपना फोन पे नंबर जो है वो दे दीजिए, मैं फोन पे कर दूंगा। मम्मी ने तो कैश दे दिया था उनको, और बट बाकी मुझसे बोलने लगे तो मैं फोन पे करने का मैंने बोला। तो बंदे ने कल 2 बार मुझे फोन किया तो मुझे गुस्सा आई। अभी मैसेज कर रहा है, बोल रहा है कि कल आपको फोन पे नंबर दिया था, डोनेशन कराओ। अब अच्छा नहीं लगता पंडित आदमी को गाली देना मुझे। पंडित नहीं होता, कोई और होता तो फिर मैं उसको अलग तरीके से बात करता। क्या करें यार, मतलब मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि लोग बात जो है कर क्या रहे हैं, भगवान जाने। रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ क्लाइमेट लीडरशिप, किनका आर्टिकल है? अच्छा, शेख हसीना, प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश, और मोहम्मद नशीद, स्पीकर है मालदीव्स के। वेरी गुड, अच्छा आर्टिकल है, पढ़ना पड़ेगा ये, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है। ओवर द लास्ट फ्यू वीक्स, पिछले कुछ हफ्तों में, देयर हैज बीन एन इंक्रीजिंगली वोकल कैंपेन टू अनसीट द प्रेसिडेंट डेजिग्नेट ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 28, मिनिस्टर सुल्तान अल जबेर ऑफ द होस्ट नेशन यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो पहला पॉइंट हमें ये मिला कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 28 यूएई में होगी, और दूसरी ये घटना आ रही है कि पिछले कुछ हफ्तों से ये कैंपेन इसके प्रेसिडेंट को उतारो, और यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोपियन यूनियन ने या पार्लियामेंटेरियंस ने जो है ये चीज बोली कि हटाओ इसको। किस ग्राउंड पर? कि वो सीईओ है अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी का। एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डेवलपिंग कंट्री इन क्लाइमेट चेंज फ्रंट लाइन, दैट इज बांग्लादेश एंड मालदीव्स, एंड एज अ लीडर ऑफ द क्लाइमेट वल्नरेबल फोरम, अ ग्रुप ऑफ 58 वर्ल्ड मोस्ट क्लाइमेट वल्नरेबल कंट्रीज होस्टिंग 1.5 बिलियन ऑफ द वर्ल्ड पुअरेस्ट पीपल, वी नो ओनली टू वेल द अर्जेंसी ऑफ द क्लाइमेट चैलेंज। वी हैव इंड्योर्ड क्लाइमेट रिलेटेड इकोनॉमिक लॉस ऑफ 500 बिलियन US डॉलर इन द लास्ट 2 डिकेड्स अलोन। अब देखो, ये पूरी चीज जो बताने की कोशिश की जा रही है वो की जा रही है कि जो अभी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 28 यूएई के अंदर हम लोग को देखने को मिलेगी, उसमें जो प्रेसिडेंट है बोल रहे हैं कि सुल्तान अल जबेर को हटाओ, क्योंकि ये व्यक्ति जो है, ये व्यक्ति सीईओ है अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी का। ऑयल कंपनी मींस कि जो क्लाइमेट को जो है वो नुकसान पहुंचा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड को वो कर रही है। तो बोल रहे हैं कि भाई नहीं, इसको हटाओ, ये व्यक्ति होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये कंपनी चला रहा है ऐसी कंपनी जो क्लाइमेट को नुकसान पहुंचा रही है, तो आप उसको क्यों कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 28 का प्रेसिडेंट बना के बैठे हो? याद एक बात समझ आई? अब देखिए, आपको सिर्फ मुद्दे समझने की इंटरनेशनल लेवल पर क्या हो रहा है। वी ऑल्सो रिकॉग्नाइज दैट दिस जर्नी टुवर्ड्स अ क्लीन एनर्जी फ्यूचर इज वन वी मस्ट एम्बार्क ऑन टुगेदर। फॉसिल फ्यूल, देखो आगे ना, फॉसिल फ्यूल डिपेंडेंट इकोनॉमीज, जो भी कंट्रीज हैं फॉसिल फ्यूल के ऊपर डिपेंडेंट है, दे आर क्रिटिकल टू दीज एफर्ट्स एंड दे क्लियरली हैव अ मोर डिफिकल्ट टास्क डिफाइनिंग देयर एनर्जी ट्रांजिशन स्ट्रेटेजी। तो अब देखो, जैसे कि हम अपनी बात करें, इंडिया की बात करें, तो इंडिया भी इमर्जिंग कंट्री है, उभर के आ रही है, बट अभी भी हमारे पास गरीबी की बड़ी प्रॉब्लम है, राइट? तो द पॉइंट इज दैट कि हमें अगर एनर्जी ट्रांजिट करना है, हमें अगर रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ ट्रांसफर करना है, तब उसमें लगता है बहुत पैसा, और पुअर कंट्रीज के लिए बड़ा डिफिकल्ट टास्क है, राइट? इट इज इंपॉर्टेंट टू अवॉइड द डिवीजन एंड वी मस्ट कंटिन्यू टू एंगेज अवर फेलो पार्टीज एट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 28 एंड एल्सवेयर ऑन द बेस्ट वे फॉरवर्ड फॉर देयर इकोनॉमीज एंड फॉर द प्लैनेट। सुल्तान अल जबेर, अब ये वही व्यक्ति है जो प्रेसिडेंट बन रहा हैज लेड मजदर द रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी, तो इसने लीड किया था, मतलब ये नेतृत्व किया था मजदर के कंपनी का, रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी का, जिसने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट जो है वो किया है सोलार और विंड प्रोजेक्ट्स में। यूएई बारक न्यूक्लियर पावर प्लांट, अब देखो ये लिख लेना, बारक न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो कहाँ पर है? BARAKH, बारक न्यूक्लियर पावर प्लांट, लिख लो, ये चीज लिख लो, यूएई में है। Which was recently opened generates 6 GW of clean power. Very important. Masdar and the International Renewable Energy Agency. अब आप ये लिख लेंगे International Renewable Energy Agency. ये टॉपिक भी हालांकि मैं पहले पढ़ा चुका हूं।
गड़बड़ कर रहा हूँ। इंटरनेशनल एरिना करके है, IRE, रिन्यूएबल एनर्जी। अच्छा, IRE एरिना, ठीक है, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, ठीक है। तो इन्होंने एक एग्रीमेंट जो है वो साइन किया, जिसका ऑब्जेक्टिव ये है टू ट्रिपल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रिपल ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बाय 2030। 2030 तक जितनी भी रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी उसको ट्रिपल करना है, तीन गुना ज्यादा करना है। तो ये दो लोगों का एग्रीमेंट है, ये फैक्ट ध्यान में रखना, राइट। इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी और मजदर का, राइट, ठीक है। दिस इज द लीडरशिप ऑफ अवर ग्लोबल क्लीन एनर्जी फ्यूचर इन मोस्ट प्रैक्टिकल सेंस। फाइनेंस विल बी क्रूशियल फॉर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 28। Our program of climate prosperity plans, including Mujib Climate Prosperity Plan adopted in Bangladesh, seeks to generate inward investment of tens of trillions of dollars in building clean energy infrastructure. मतलब कल मिलाकर ये बोल रहे हैं कि भाई फाइनेंस जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अगर आपको अपनी अपने टारगेट को तीन गुना ज्यादा बढ़ाना है तो आपको उस हिसाब से अपना इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ेगा, राइट। अब देखिए, अब मुजीब क्लाइमेट प्रॉस्पेरिटी प्लान ये बांग्लादेश के अंदर अडॉप्ट किया गया। इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि इन्वेस्टमेंट जो है वो टेंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ डॉलर जो है वो करना है क्लीन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्डअप करने के लिए। दिस क्लाइमेट प्रॉस्पेरिटी एजेंडा रिकॉग्नाइज दैट द इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर द पुअरेस्ट कंट्री इज नॉन नेगोशिएबल एंड दैट अवर प्रोस्पेक्ट शुड नॉट बी कर्टेल्ड सो दैट द रिच कंट्रीज कैन कीप ऑन पोल्यूटिंग। तो इस तरीके से नहीं करना कि भाई रिच कंट्री पोल्यूट करती जा रही है और पुअर कंट्रीज है वो इन्वेस्टमेंट करती जा रही है और परेशान होती जा रही है। तो ये काम जो है वो बिल्कुल भी जो है वो नहीं करना है। लकीली वी डू नॉट सीक कोल ऑयल एंड गैस, वी सीक इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री ऑल विच कैन नाउ बी इंक्रीजिंगली डिलीवर्ड विद द क्लीन एनर्जी। तो भाई हाँ, ऑब्वियस ही बात है कि ये सब चीजें जो हमें चाहिए वो क्लीन एनर्जी के थ्रू पॉसिबल है। वी सीक यूएई लीडरशिप इन हेल्पिंग सिक्योर इन्वेस्टमेंट सपोर्टेड बाय Sovereign Wealth Fund and Multilateral Development Banks, which can deliver the huge boost in the climate prosperity we need. So, banking ki, finance ki jo hai wo requirement hai, jo UAE jo hai wo hume support kar sakta hai, UAE ke investment wagera, right? Ab many of our nation, kafi sari countries jo hum log ko dekhne ko milti hai, to unke upar already kafi zyada karza hai, right? To jisko jo hai wo bilkul bhi wo nahi kar pa rahe, pay nahi kar pa rahe, right? To ye wali cheez hum log ko dekhne ko mil rahi hai. Emissions हर जगह हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है। रेदर देन गोइंग वन बाय वन ओवर द फाइनेंशियल क्लिफ, वी अर्जेंटली नीड अ कलेक्टिव अप्रोच। तो हम लोग को सबको मिलकर आना चाहिए, विच रिकॉग्नाइज द डेट प्रॉब्लम, कर्जे की प्रॉब्लम को जो रिकॉग्नाइज करे एंड बैरियर इट पोजेस टू क्लीन एनर्जी इन्वेस्टमेंट, की भाई क्या क्या प्रॉब्लम है जिसके कारण क्लीन एनर्जी इन्वेस्टमेंट नहीं मिल पा रहा, राइट। तो इन सब चीजों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। सॉवरेन वेल्थ फंड एंड मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स कुड असिस्ट इन डी रिस्किंग रीस्ट्रक्चर डेट, राइट, and ensuring reissued climate bonds, right, as Sultan Al Jaber has suggested. तो सुल्तान अल जबर ने ये चीज बोली कि हाँ भाई अपन लोन्स वगैरह पर काम कर लेते हैं, राइट, कि जिससे कि जितनी भी कंट्रीज अभी कर्जे में है वो कर्जा मुक्त हो और इन्वेस्टमेंट उनका बढ़ाने की हम कोशिश करें। सुल्तान अल जबर ये डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, यूरोप को समझा रहे हैं, यूरोप नॉर्थ अमेरिका को, कि वॉट लीडरशिप रियली मीन्स बाय एक्सप्लिसिटली सिग्नलिंग to the sovereign wealth fund and ये वाला bank, multilateral development bank है, that he wants to see their full participation. We further call on the UAE leadership for clean energy target is starting in 2025, transforming the Abu Dhabi National Oil Company into the Abu Dhabi Clean Energy and Grid Company by 2030 and towards the global financial reform including of International Monetary Fund. तो ये बोल रहे हैं कि भाई IMF वगैरह में changes लेकर आओ, clean energy को support करने पर काम करो, जैसे अपनी ऑयल कंपनी है उसको पूरी तरह से चेंज करके ग्रीन एनर्जी कंपनी या क्लीन एनर्जी कंपनी जो है वो बनाएंगे। दस फाइनेंस कॉन्स्टिट्यूट्स टू बी द सेंट्रल टू द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी आउटकम। तो देखो मेनली अब जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 28 हम लोग को देखने को मिलेगी उसमें मेनली फोकस किस चीज पर है, फाइनेंस, राइट। द लॉस एंड डैमेज फंड दैट वॉज सिक्योर्ड लास्ट ईयर इन शर्म अल शेख मस्ट नॉट बी जस्ट बी अनदर एम्प्टी बैंक अकाउंट एंड फॉसिल फ्यूल डिपेंडेंट इकोनॉमीज कैन डेमोन्स्ट्रेट देयर कमिटमेंट टू अ shared future by making subscription to support funding for climate damages in the most vulnerable countries well in advance of the conference of party. और देखो ग्लोबल क्लाइमेट ब्रेकडाउन की बात करें, यानी जब भी क्लाइमेट
चेंज हो रहा है कंटिन्यूअसली, और कोई भी बड़ा घाटा होता है, नुकसान होता है, तो ना ही कोई जीतेगा ना ही कोई हारेगा। ऑयल इंडस्ट्रीज में इंक्लूडेड है। एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मोस्ट क्लाइमेट वल्नरेबल डेवलपिंग नेशंस, वी कॉल ऑन अमेरिका एंड यूरोपियन पार्लियामेंटेरियन टू रीकंसीडर देयर पोजीशन इंस्टेड ऑफ सीकिंग टू एक्सक्लूड रेलेवेंट पार्टीज एंड स्टेक होल्डर्स। वी बिलीव एवरीवन शुड पार्टिसिपेट इन डिसीजन विद सच इंपॉर्टेंट रैम्पिफिकेशन। होल्डिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 28 इन यूएई एंड विद सुल्तान अल जबर एज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी प्रेसिडेंट डेजिग्नेट मे वेल बी एन अपॉर्चुनिटी टू एंगेज the fossil fuels industry to make some significant and quantifiable commitment to emissions cut and climate action in general. Time is running out and we all need to work together to save the 1.5 degree celsius paris target before it is too late. to 2015 ki paris target ke bare mein aapko pata hoga, theek hai, bas zyada kuch nahi tha isme. is pure article mein jo hai wo climate change par focus karne ki baat ki, especially is pure article mein main focus hai finance ko lekar कि हमें इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता है, फाइनेंस की आवश्यकता है, एक ऐसी बैंकिंग की आवश्यकता है जो क्लाइमेट चेंज को जो है वो फंड कर सके, राइट, या क्लाइमेट की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए फंडिंग प्रोवाइड करा सके, स्पेशली टू द टू दोज इकोनॉमीज जो पुअर है, राइट। और कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 28 कहां पर? इजिप्ट में। ये चीज बस ध्यान में रखना, ठीक है। अब देखो इस प्रकार से क्या होता है, लाइन बाय लाइन चीजों को कवर अप करना आज की डेट की आवश्यकता है। जनरली लोग बात जो है वो अब क्या सोचते हैं कि यार कोई हमें जो है वो शॉर्ट में फटाफट जो है वो पढ़ा दे, पढ़ा तो देगा शॉर्ट में। इस चीज इस पूरे आर्टिकल को पढ़ने के बाद दो लाइन का ही जो है वो निष्कर्ष निकला, बट द पॉइंट इज दैट कि दो लाइन की चीजें पढ़ना और पूरी चीज डिटेल में पढ़ना उसका एक अलग ऑब्जेक्टिव होता है जो आपके प्रिलिम्स और मेंस दोनों में जो है वो हेल्पफुल होने वाला है। और अब तो यूपीएससी ने बोल ही दिया कि आपको पढ़ना है रेगुलर बेसिस पर। सो इफ यू आर फीलिंग बोर्ड तो आप जा सकते हो, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन छोड़ सकते हो, वरना अब ये प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी ऑन अ रेगुलर बेसिस। प्रिपेयर्डनेस पे ऑफ, इंडिया एस्केप्ड द फ्यूरी ऑफ द साइक्लोन बिकॉज ऑफ अर्ली वार्निंग फ्रॉम आईएमडी। तो आपको पता है ना कि बीपर जो है जो हम लोग को देखने को मिल रहा है, बीपर जो है ये बेसिकली साइक्लोन हम लोग को देखने को मिल रहा है गुजरात में और पार्ट ऑफ राजस्थान में हम लोग को देखने को मिला था, ठीक है। इट डिड कॉज नोटिसेबल डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन किया इसने इंफ्रास्ट्रक्चर को, स्कोर्स ऑफ इंजरीज भी आई, कैटल्स की डेथ भी हुई, देयर हैव बीन ओनली टू रिपोर्टेड कैजुअलिटी, दो लोगों की मौत की भी केसेस हम लोग को नजर आए। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट बिगेन इशूइंग इट्स फर्स्ट रिपोर्ट, तो पहली रिपोर्ट आईएमडी ने जो है वो इशू करी थी साइक्लोन से रिलेटेड 8 जून को, एंड बाय 11 जून द एजेंसी फर्स्ट इंडिकेटेड दैट स्ट्रॉम यानी कि जो भवंडर जो आ रहा है वुड नॉट बाईपास इंडिया एंड प्रीवियसली एज प्रीवियसली एस्टिमेटेड बट वुड likely sharply swing towards coastal Saurashtra Gujarat. The storm was also categorized as falling in the very severe category. The average wind speed is over 115 km/h. The 4 days of lead time and an estimate of its strength gave enough time for the district authorities in Gujarat to begin evacuating people. Nearly 1 lakh people in coastal region of the state were moved to shelters and close to 30 central and state disaster relief teams were kept ready. The railways cancelled several trains and fishermen too received advance warning of cyclone's impact that kept them away from the sea. So, मतलब हालांकि यहाँ पर ये चीज बताई जा रही है कि ये आपका डिजास्टर मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छा आर्टिकल हो सकता है जिसमें आप इसका बीपर जो है का एग्जाम्पल जो है वो लिख सकते हो और ये भी लिख सकते हो कि देखिए अथॉरिटीज ने जो है वो टेक्नोलॉजी की मदद से आईएमडी की रिपोर्ट वगैरह की मदद से जो है वो जल्दी एक्शन लिए और एक्शन लेकर कैजुअलिटी को कम से कम करने पर फोकस किया और सक्सेसफुली इस चीज को अचीव भी किया। तो 1092 विलेज के अंदर इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम आई, 5120 इलेक्ट्रिक पोल जो है उसको निकाल दिए गए, राइट, एंड एन एस्टिमेटेड 186 ट्रांसफार्मर्स और 2502 फीडर्स ये डैमेज हुए स्वराष्ट्र कच्छ क्षेत्र में। वाइल शॉप और शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट्स हैव रिपोर्टेडली रीओपन, अ फुल रिटर्न टू द नॉर्मलसी इज स्टिल अवेटेड। तो अभी तक स्थिति नॉर्मल जो है वो नहीं हुई है उस क्षेत्र में। Experience from recent years shows that cyclone, whether in the Bay of Bengal or the Arabian Sea, and their expected impact can be precisely gauged only 36 to 60 hours ahead. तो इसको proper सटीक तरीके से जो है वो अगर cyclones की details चाहिए तो 36 से 60 घंटे के अंदर अंदर यानी कि उसके बीच में जो है वो हो जाती है। Conference of Party UAE, हाँ Conference of Party UAE ना 27th इजिप्ट में हुई थी ना, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 27th इजिप्ट में थी।
इजिप्ट में ही थी ना शायद मेरे ख्याल से कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 27। तो ऐसे क्यों लिखा आपने अचानक से? अच्छा कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 27 इजिप्ट में हुई थी, 28 यूएई में। 28 से रिलेटेड ये आर्टिकल था। While a greater lead time should in theory means more time for preparation, the nature of coastal infrastructure, inefficient communication network and livelihood patterns combined with the natural fury that cyclone brings about means that there are limits to precautionary measures. A cyclone in 1998 that struck Gujarat reportedly killed near 3000 people. 3000 लोग ही जान गए थे 1998 के साइक्लोन में। और right now आपने कहा कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 28 इजिप्ट, अरे नहीं सॉरी वो यूएई, यूएई करेक्ट कर लेना। शायद कई बार क्या होता है पढ़ाते पढ़ाते एकदम से वो कुछ वो चीज है वो हो जाती फ्लो फ्लो में। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 27 इजिप्ट, 28 यूएई। अ साइक्लोन 1998 में देखो साइक्लोन था, 3000 लोगों की मौत हुई। तो ये चीज आप मीन्स में उपयोग कर सकते हो एग्जाम्पल के तौर पर। राइट नाउ साइक्लोन आता है तो बिकॉज ऑफ अर्ली वार्निंग सिस्टम लोगों की डेथ नहीं होती है, राइट right? And it can be safely said that India has moved beyond that era. Yes, exactly. However, there are newer threats on the horizon. Abhi bhi kafi sare khatre hain. Several studies ne warning diye ki Arabian Sea, thanks to the effect of global warming. So obviously baat hai ki regular ab is prakar ki cheeze nazar aayenge because of global warming. More severe cyclones hum log ko nazar aayenge. Frequently logo ko jo hai wo nikalna padega. Aur aasan nahi hoga, right? बार बार लोगों को इवैक्यूएट करना है एक जगह से दूसरी जगह। तो ये सब चीजें हम लोग को देखने को मिल रही है। टू इंश्योर दैट कोस्टल रेगुलेशन जोन्स रूल्स रेगुलेशन नॉर्म्स जो है राइट जो स्ट्रक्चर बनाने से रिलेटेड है तो उस पर जो है वो काम किया जाए राइट और उसको समय समय पर चेंज भी करना पड़ेगा क्योंकि सी लेवल जो है वो राइज होगा ना। तो ये चीज बस हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है। काफी अच्छा आर्टिकल था। अब नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ आगे बढ़ रहा है। The killing of at least 41 people, 41 लोगों की जो है वो जान गई, including 38 students in an attack on a school in Uganda-Congo border. Uganda और Congo की border पर हम लोग को देखने को मिला कि 38 students की जो है वो death हुई है। तो अपन map में जो है वो देख लेते हैं। Uganda map, ये देखिए आप map, क्योंकि पढ़ते पढ़ते आपको map की तरफ जो है वो देखना काफी ज्यादा जरूरी है। युगांडा कंट्री जो है अफ्रीका के अंदर हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है। ये देखिए ये हमारा प्यारा इंडिया आपको नजर आ रहा है। इंडिया से आप जो है वो वेस्ट की तरफ जाएंगे तो आपको अफ्रीका दिखाई देगा और यहीं पर आप देख रहे हैं ये आपको युगांडा जो है वो दिखाई दे रहा है। युगांडा उसी के जस्ट बगल में देखो बड़ा सा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो आपको नजर आ रहा है। तो युगांडा कॉन्गो की बॉर्डर पर यह बताया जा रहा है कि भारी मात्रा में 41 यानी कि लोगों की डेथ हुई है जिसमें से 38 स्टूडेंट्स थे इस्लामिस्ट मिलिटेंट के द्वारा राइट सस्पेक्टेड इस्लामिस्ट मिलिटेंट के द्वारा। तो ये बता रहा है कि कितनी खराब स्थिति अफ्रीका के अंदर है मिलिटेंट्स वगैरह की राइट। इन रिसेंट ईयर पिछले कुछ सालों में इस्लामिस्ट और मिलिटेंट वायलेंस ये जो है वो हम लोग को पूरे नॉर्थ अफ्रीका से लेकर सोमालिया तक फैलता हुआ नजर आ रहा है। सरकार वीक होती जा रही है। बॉर्डर रीजन हम लोग को युगांडा और कॉन्गो के बीच में देखने को मिल रहा है। वहां पर भी मिलिटेंसी का केस हम लोग को नजर आ रहा है। युगांडन अथॉरिटी ने ब्लेम किया एलाइड डेमोक्रेटिक फोर्सेज को जो कि एक इस्लामिस्ट मिलिटेंट ग्रुप है राइट जो ऑपरेट करती है कॉन्गो से राइट। तो पुलिस के अकॉर्डिंग ग्रुप ने जो है अटैक किया एक सेकेंडरी स्कूल को हुबिरिया सेकेंडरी स्कूल 2 किलोमीटर की दूरी पर था ये कॉन्गो की बॉर्डर से विथ ग्रेनेड्स थे। ये क्या होता है मैचेट्स, किसी को पता है ये क्या चीज है मैचेट्स? किस चीज को बोलते हैं मैचेट्स? नहीं नहीं ऐसे नाइफ तलवार को बोलते हैं क्या मैचेट्स? वेब पे सर्च करें अपन क्या होता है ये क्या दिखता है ये ग्रेनेड्स तो अपन को पता है। अच्छा ये तलवार ही होती है एक प्रकार की चाकू होता है मतलब एक प्रकार का मैचेट्स चाकू। अच्छा तो गला वाला काट दिया गया होगा करते तो है ये मिलिटेंट्स इस प्रकार की हरकतें। देखो ग्रेनेड्स से अटैक किया गया
स्टूडेंट्स वर हैक्ड, सम ऑफ देम किडनैप्ड, एंड द डॉर्मेट्री सेट ऑन फायर एंड द स्कूल लूटेड. स्कूल की लूट मचा ली स्कूल पे. 1998 में ये जो मिलिटेंट ग्रुप जो था इसने अटैक किया था एक और स्कूल को, और उस समय कुछ 80 बच्चों को जला दिया गया. देखो ऐसी तो क्रुएल्टी हो रही है देश भर में. द आउटफिट विच डिक्लेयर्ड इट्स एलिजियंस टू द इस्लामिक स्टेट टेररिस्ट एंटिटी इन 2016 यूटिलाइजेस सच अटैक्स फॉर देयर शॉक वैल्यू एंड टू यूज किडनैप्ड स्टूडेंट्स एज चाइल्ड सोल्जर्स. ADF वॉज फॉर्म्ड. अच्छा ये कब बना था मिलिटेंट ग्रुप? 1990s में. काफी सारे मिलिटेंट ग्रुप्स के द्वारा वो नहीं चाह रहे थे कि युगांडन लीडर एक मुसेवेनी है वो ऑपरेट करे. ठीक है, एक इसको बनाया गया था एक फॉर्मर कैथलिक ने जो कन्वर्ट हो गया था इस्लाम में. ADF का मेन रिक्रूटिंग प्लैंक जो है वो मुस्लिम है, यानी कि ज्यादातर मुस्लिम लोग को ये रिक्रूट करता है. वो 14% है युगांडन पॉपुलेशन के मुस्लिम. 1998 स्कूल अटैक के बाद युगांडन और कॉन्गोलीज आर्मी जो है, कॉन्गो की आर्मी जो है, इन्होंने ज्वाइंट ऑपरेशन कंडक्ट करना शुरू किया, जिसने ADF को फोर्सफुली जो है वो निकाला. वो चले गए जो है वो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के जंगल्स में. ग्रुप जो है वो एक्टिव फिर से हो गया पिछले कुछ सालों में हम लोग को देखने को मिल रहा है. इसको एक अलग टाइप का अलकायदा जो है वो कहा जा रहा है, और इस्लामिक स्टेट लिंक्ड आउटफिट और भी स्ट्रॉन्ग तरीके से अफ्रीका में वो हो गया है, एक्टिव हो गया है. जब से नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ने लीबिया में जो है इन्वेड किया, लीबिया में कब्जा किया आगे, या फिर गढ़ बनाया जहां से मुअम्मर कदाफी को जो है वो ब्रॉट डाउन किया, नहीं उसको जो है वो निकाला, उसको सप्रेस किया, जिसके कारण सिविल वॉर हम लोग को देखने को मिला. राइट, तो ये चीजें बस ये डिस्टर्बेंस की बात जो है वो की जा रही है. एक जनरल बस आपको बताना चाहिए कि अफ्रीका के अंदर एक मिलिटेंट ग्रुप जो है वो ऑपरेट करता है ADF. ये चीज बस आपको ध्यान में रखनी, इसका फुल फॉर्म भी थोड़ा सा ध्यान में रखना, एलाइड डेमोक्रेटिक फोर्स या फोर्सेस. बस ठीक है, ये चार ही एडिटोरियल थे आज के, चार ही होते हैं वैसे तो. ओपिनियन वाला उतना कुछ खास हमारे लिए होता नहीं है. द्रविडियन मॉडल की यहाँ पर बात हो रही है, इमर्जिंग चैलेंजेस टू द द्रविडियन मॉडल. आपको पता ना कि आर्यन द्रविडियन का इशू हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है. बिपरजॉय अ पार्ट ऑफ न्यू ट्रेंड इन इंडियन साइक्लोन. तो ये बिपरजॉय का टॉपिक भी रिपीटेड है जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं. पीपल हु रिटर्न्ड होम एज साइक्लोन. बिपरजॉय वीक हो गया ये वाला साइक्लोन अभी, हम बट पूरी तरह से स्थिति नॉर्मल नहीं हुई है. FPI क्या होता है? फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स. इन्वेस्टमेंट जो है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के द्वारा इन इक्विटीज में, वो काफी अच्छा, इतने करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ. अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं, बट अपने लिए इंपॉर्टेंट ये है कि ये फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स कौन होते हैं या इन्वेस्टमेंट्स क्या होते हैं, ये लिख लो आप. चौथा आपका टास्क, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स FPIs. ठीक है, स्पेक्ट्रम एलोकेशन के बारे में आपको ऑलरेडी पता होगा, ये टेलीकॉम सेक्टर से एसोसिएटेड होता है. हम लोग वीट एक्सपोर्ट कर रहे हैं कंट्रीज को जहां पर फूड की शॉर्टेज है. रशियन ऑयल इंपोर्ट जो है वो बढ़ेगा इंडिया में, रशिया से ऑयल इंपोर्ट हम लोग करवा रहे हैं. चाइना की डेवलपमेंटल सिक्योरिटी अप्रोच. तो Why is Chinese government cracking down such firms? एक मिनट रुक जाओ, इसका पहला पैराग्राफ हमें पढ़ना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है आर्टिकल. लेट इन मे दिस ईयर द साइबर स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चाइना अनाउंस दैट द US चिप जाइंट माइक्रॉन विच हैड बीन अंडर इन्वेस्टिगेशन बाय द साइबर सिक्योरिटी रिव्यू ऑफिस फेल्ड टू ऑब्टेन अ सिक्योरिटी क्लियरेंस. मतलब चाइना ने जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स की एक कंपनी माइक्रॉन के ऊपर अटैक किया है, पहला पॉइंट ये. और क्यों अटैक किया है? तो बोल रहे थे कि वो सिक्योरिटी क्लियरेंस कंप्लीट नहीं कर पाए, एंड दैट इट्स प्रोडक्ट्स पोज अ थ्रेट टू द नेशनल सिक्योरिटी. तो चाइना के लिए माइक्रॉन के प्रोडक्ट जो है वो थोड़े से उसकी सिक्योरिटी के लिए वो है. जैसे ऑब्वियसली बात है कि चाइना को कोई भी प्रोडक्ट है किसी भी कंट्री के अंदर जाता है, डर ये रहता है कि चाइना उस प्रोडक्ट के थ्रू स्पाई करवाएगा, निगरानी रखवाएगा. तो वैसे ही ये डर यहाँ पर भी हम लोग को देखने को मिलता है. कॉन्सिक्वेंटली बिजनेस ऑपरेटर्स ट्राई टू क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर वर एडवाइज नॉट टू प्रोक्योर माइक्रॉन प्रोडक्ट्स. दिस इज द
लेटेस्ट इंसिडेंट इन अ सीरीज ऑफ क्रैकडाउन्स बाय द चाइनीज गवर्नमेंट अगेंस्ट अमेरिकन कंसल्टेंसी एंड डोमेस्टिक फर्म्स। बस यही चीज है इसमें, और कुछ नहीं है। एक सिंपल सीरीज ध्यान में रखना, यूनाइटेड स्टेट्स की कंपनी है माइक्रॉन, चाइना बोल रहा है कि नहीं भाई इस कंपनी के प्रोडक्ट्स हमारे लिए खतरनाक है, तो इस कंपनी के प्रोडक्ट्स यहाँ पर नहीं आएंगे इंडिया और चाइना में। अब टेलीग्राम जो अपन यूज करते हैं, और जिन स्टूडेंट्स ने टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन नहीं किया ज्वाइन कर लेना, यूट्यूब पे लेक्चर देखोगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर इसकी लिंक जो है वो आपको मिल जाएगी। तो टेलीग्राम जो है उसमें बॉट्स होते हैं कुछ कुछ जो कि ऑटोमेटिकली रिप्लाई वगैरह करता है, तो ऐसे कुछ फीचर होते हैं, तो सिक्योरिटी के लिए खतरा होता है, ये वाली बात जो है वो की जा रही है। हाँ अब देखो ये वाला टॉपिक अपने लिए इंपॉर्टेंट है। अब ये आपको पता है मोदी जी जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स जा रहे हैं, ये एक आर्टिकल में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, तो उन्होंने जो है वो मन की बात के एपिसोड में जो है वो कुछ चीजें जो है बताई। वेयर ही सॉट द ब्लेसिंग्स ऑफ सिटीजंस फॉर द ट्रिप एंड ऑल्सो रिकॉल्ड द हॉरर्स ऑफ इमरजेंसी सेइंग दैट इंडिया इज द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, वी कैन नेवर फॉरगेट June 25 द डे द मेजर वॉज इम्पोज। तो इमरजेंसी आई थी ना 1975 राइट, तो अब देखो अब ये पॉलिटिकल एंगल आ गया है वो, तो अभी अपन को उस पर उतना ध्यान नहीं देना। मिस्टर मोदी सेड द अनयूजुअली द एपिसोड वाज पुट आउट ऑन द लास्ट संडे ऑफ एवरी मंथ, बट सिंस ही वाज ट्रैवलिंग टू यूएसए ही वांटेड टू स्पीक टू द पीपल बिफोर दैट। मिस्टर मोदी हेल्ड द प्रोग्रेस दैट इज बीइंग मेड टुवर्ड्स अ ट्यूबरकुलोसिस फ्री इंडिया बाय 2025, बट ये टारगेट अचीव नहीं होगा, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ही स्पोक ऑफ हाउ डेयरी फार्मिंग वॉज पिकिंग अप पेस इन जम्मू कश्मीर राइट, बारामुल्ला, इंडिया स्ट्रॉन्गेस्ट डिजास्टर रिस्पॉन्स स्ट्रेटेजी एज सीन इन प्रिपरेशन फॉर द साइक्लोन बिपरजॉय। तो अभी हमने देख ही लिया कि साइक्लोन बिपरजॉय में हमारी जो डिजास्टर मैनेजमेंट फोर्स जो है उन्होंने काफी अच्छा जो है वो काम किया है राइट, लोगों को इवैक्यूएट करने में। प्लस इन्होंने ये भी बताया कि जम्मू कश्मीर के अंदर डेयरी फार्मिंग बहुत जोरों शोरों से जो है वो चल रही है राइट, तो कुछ चीजों के बारे में उन्होंने बताई। हमें जो है वो नेचर को प्रोटेक्ट करने की आवश्यकता है, जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग करें, पेड़ लगाएं, ठीक है। नेशन के स्पोर्ट पर्सन को इन्होंने और प्रेज किया राइट, ठीक है। हाउएवर कांग्रेस टुक द अपॉर्चुनिटी टू टेक अ डिग एट प्राइम मिनिस्टर साइलेंस ओवर द एथनिक वायलेंस इन मणिपुर। अच्छा प्राइम मिनिस्टर ने मणिपुर के बारे में बात नहीं करी जहां पर 100 से भी ज्यादा लोग जो है वो मारे गए हैं, 10,000 से भी ज्यादा लोग को घर छोड़ के जाना पड़ा। ये सब चीजें हम लोग को देखने में मिल रही है, नहीं बस ठीक है, इसमें फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन दी बस कुछ कुछ, बाकी और पूरा आर्टिकल उतना कुछ खास काम कर नहीं लग रहा। हाँ ये लिख लेना, द गांधी पीस प्राइज फॉर 2021 लिख लेना, गांधी पीस प्राइज अवार्ड 2021 का गीता प्रेस गोरखपुर को दिया जा रहा है, जो कि लार्जेस्ट पब्लिशर है रिलीजियस टेक्स्ट का, जैसे भगवद गीता, रामायण, उपनिषद। गीता प्रेस जो गोरखपुर में है उसको जो है वो गांधी पीस प्राइस 2021 से सम्मानित किया जा रहा है। लिख लो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, गांधी पीस प्राइस से रिलेटेड यूपीएससी भी क्वेश्चन पूछती है, स्टेट पीएससी तो पूछेगी यूपीएससी भी पूछती है, ये वाला फैक्ट लिख लो अपने पास, ठीक है। गांधी पीस प्राइज हर साल जो है वो दिया जाता है, गांधी पीस प्राइज लाया गया था 1995 में, लिखो गांधी पीस प्राइज इंस्टीट्यूटेड इन 1995, 125th बर्थ एनिवर्सरी थी महात्मा गांधी जी की, उस समय ये प्राइज लाया गया था, लिख लो। और जो भी आप नोट्स बना रहे हैं उस नोट्स की जो है फोटो खींचकर जो है फॉरवर्ड करिएगा टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप में। अवार्ड के साथ 1 करोड़ रुपए जो है वो दिया जाता है, सिटीएशन दिया जाता है, प्लेक दिया जाता है, और हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम आइटम भी दिए जाते हैं। इसरो को अवार्ड मिल चुका है, रामकृष्ण मिशन को मिल चुका है, ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश को मिल चुका है, विवेकानंद केंद्र को मिल चुका है, इससे पहले अवार्ड कन्याकुमारी और सुलभ इंटरनेशनल को मिल चुका है, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका नेल्सन मंडेला को, बाबा आमटे को, देशमंत टूटू को, टूटू साउथ अफ्रीकन, साउथ अफ्रीका के,
चंदी प्रसाद भट्ट को, शेख मुइजबुर रहमान बांग्लादेश के, बांग बंधु, ठीक है। अब गीता प्रेस वगैरह के बारे में इतना पढ़ने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ गीता प्रेस को अवार्ड मिला ये बस ध्यान में रखना। अब ये वही पहले पेज से जो आर्टिकल था जो हमने कवर किया था, तो ये मिजोरम वाला टॉपिक ये हमारे लिए काम का नहीं है, ये डिफेंस से रिलेटेड इश्यूज के बारे में बात हुई है, बात होगी तब हम बात करेंगे काम की। कॉर्पोरेट मिनिस्ट्री टू कंसल्ट प्रैक्टिशनर्स ऑन MCA 21 ग्लिचेस। अच्छा, MCA 21 मतलब ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की ये वो है पोर्टल है, इसमें ग्लिच आया था तो उसके बारे में बात की गई थी, बस ठीक है अपने लिए काम करनी है। बस ये वो रेसलर अभी तक प्रोटेस्ट कर रहे हैं, स्टेट्स को ऑल्टरनेटिव की तरफ जो है वो ढूंढना देखना पड़ रहा है, क्योंकि केंद्र सरकार ने जो है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के परचेज को रेस्ट्रिक्ट कर दिया है। तो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ये नोट्स में बना लो, इसके बारे में आपको पढ़ना है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया पांचवा आपका टास्क, और ये टास्क फिनिश अप करके फिनिश आप टेलीग्राम के ग्रुप में डालेंगे, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। आदि पुरुष के राइटर ने कहा है कि वो डायलॉग पर फिर से जो है वो ध्यान देंगे, क्योंकि पब्लिक ऑब्वियसली बात है, आदि पुरुष में मैंने सुनने में आया कि कुछ उल्टी सीधी बात की जा रही है, मतलब टोन बहुत गंदी है, बदतमीजी वाली टोन है, मतलब हनुमान जी किसी के बाप बाप के बारे में बात कर रहे हैं ऐसे बाप बाप करके। मैंने देखी नहीं है पिक्चर अभी तक, बट काफी क्रिटिसाइज किया जा रहा है। इनका नाम रख याद रखना आप, सिनेमेटोग्राफर है, इनका निधन हुआ है, ये स्टेट PSC पूछ सकती है। ठीक है, बाकी इतनी कुछ खास न्यूज़ नजर नहीं आ रही है। ठीक है, अभी बिजनेस से रिलेटेड न्यूज है, ये बिजनेस वाली न्यूज हम लोग मैगजीन वगैरह से, बिजनेस और स्पोर्ट्स की न्यूज मैगजीन से हम लोग जो है वो कवर करते हैं। ठीक है चलो, बस आज के लिए इतना ही था, होपफुली आपने पूरे नोट्स जो है वो बनाए होंगे और आपको क्लास जो है वो अच्छे समझ में आई होगी। चलिए अब साइन ऑफ करते हैं, नेक्स्ट क्लास कब होगी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। जय हिंद।